हेलो गाइस, गवर्नमेंट की एक बड़ी अपडेट इधर आ चुकी है उन सभी लोगों के लिए जिनको भी ये लगता है कि हमारे नाम पे कोई धोखाधड़ी हो रहा है या फिर आपके यहाँ पुलिस आ जाती है कि आपके नाम पर एक सिम खुलवाया गया है और आप इससे फ्रॉड कर रहे हो। तो ऐसे में आज की इस वाले वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आप कैसे पता कर पाएंगे कि आपके यहाँ पर आपके नाम पर कितनी सिम कार्ड फर्जी चल रहे हैं, जिससे कि आप पहले उसे बंद करवा पाए और आपके पास पुलिस या फिर कुछ इस तरीके का स्कैम वाला झंझट ना आए। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि पिछले दिनों में काफी सारे लोगों के साथ फर्जी सिम कार्ड खोलकर उनके नाम पर फ्रॉड किया जा रहा है। जब पुलिस उनका रिसर्च कर रही है तो कोई ना कोई आम पर्सन निकल रहा है जो कि एकदम सीधा साधा पर्सन है और उसके साथ यहाँ पर यह फ्रॉड हो रहा है। तो आज की इस वाले वीडियो में आपको ये बताने वाले हैं कि आपको कैसे पता करना है कि आपके नाम पर कितना सिम कार्ड चल रहा है, कितना फर्जी है, कितना रियल है, वो सारी की सारी डिटेल आप देख पाएंगे। और साथ ही में यहाँ पर आप अपना जो फर्जी सिम कार्ड है उसको बंद भी करवा सकते हैं। आपको वहाँ पर मैं पूरा का पूरा प्रोसेस बताऊंगी कैसे इसको क्लोज करवाना है। अगर आप क्लोज नहीं करवाते हो, कोई भी स्कैम होता है, तो फिर आप वहाँ पर बहुत ज़्यादा बुरे फंसोगे, आपको जेल भी हो सकती है। तो इस वाले वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए, कोई भी चीज़ यहाँ पर आपको छूटेगा नहीं, हर चीज़ का डाउट आपका क्लियर होकर जाएगा और फर्जी सिम कार्ड भी आप 100% बंद कर पाएंगे। और यहाँ पर आपको मैं पहले ही बता देता हूँ कि ये एक नया पोर्टल है और यहाँ पर अब हर स्टेट का काम कर जाएगा और यहाँ पर आप सभी राज्यों का जो काम है वो कर सकते हैं। पहले यहाँ पर टैफ कॉप की वेबसाइट आती थी बट वो सभी स्टेट के लिए वर्क नहीं करता था, बट ये एक नया वेबसाइट आया है संचार साथी नाम से और इस वाले वेबसाइट के जरिए आप लोग अपने खोए हुए मोबाइल को भी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर ये भी 100% वर्क कर रहा है और यहाँ पर ये लोग अभी तक 2.5 लाख से ज़्यादा मोबाइल को ट्रैक कर सके हैं। उसी तरीके से ये लोग अभी तक 13,505 फर्जी सिम कार्ड को भी बंद कर चुके हैं। तो बहुत ही जेन्युइन और रियल वर्किंग वेबसाइट है और ये गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है, तो इसमें कोई भी आपका धोखाधड़ी या फिर स्कैम टाइप की चीजें नहीं होने वाली है। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं छोटे छोटे नेटवर्क बात और आपको पूरी चीज मॉल के स्क्रीन पर लाइव प्रूफ करके दिखाते हैं ताकि आपको भी आपके भविष्य को लेकर कोई चिंता ना रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो फाइनली गाइस हम आ चुके फोन की स्क्रीन पर। अब के लिए हम बताते हैं कि फर्जी सिम कार्ड्स पता करने के लिए आपको क्या करना चाहिए या फिर आपके नाम पर आपके आधार से कितने सिम कार्ड खुल चुके हैं, उसके बारे में पूरी डिटेल के लिए आपको आना होगा क्रोम ब्राउजर पे। क्रोम ब्राउजर या फिर आप किसी ब्राउजर का इस्तेमाल कर सकते हैं बट यहाँ पर आपको गूगल पे सर्च करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर गूगल में सर्च कर लेना है संचार साथी, इस तरीके से आपको सर्च करना है। इधर आप देख पा रहे हैं संचार साथी, स्पेलिंग देख लीजिए, ये वाली आपके सामने पहली वेबसाइट आएगी। यहाँ पर आप देखिए http://sanchar-saathi.gov.in, ये आपका जो मेन वेबसाइट है ये खुलना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि आप कोई और सा वेबसाइट खोल देते हो, जैसे कि यहाँ पर भी लिखा है संचार साथी पोर्टल, इसको ओपन नहीं करना है, हमें ओपन करना है ये पहले वाले को। तो जैसे आप इसको ओपन करेंगे इस वाले को, चलिए हम ओपन करके दिखाते हैं, एक नया इंटरफेस आता है और गवर्नमेंट की तरफ से ये बहुत ही बढ़िया वेबसाइट लॉन्च की है। इस वाले वेबसाइट से आप काफ़ी सारे काम कर सकते हैं। सबसे पहला इस वाले वेबसाइट का काम है कि आप अपने खोए हुए मोबाइल को दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं। इधर आप देख पा रहे हैं लॉस्ट योर मोबाइल और यहाँ से फाइंड इट और मोर डिवाइस, इस तरीके से आप पा सकते हैं। मोबाइल पाने के लिए आपको ऐसे नीचे स्क्रॉल करके आना होगा और यहाँ पर आपको देखिए दिख जाएगा ब्लॉक योर लॉस्ट स्टोलन मोबाइल। यहाँ पर आपको FIR करना पड़ेगा, वो सारी डिटेल डाल के आप अपने मोबाइल का IMEI नंबर डालेंगे और वो वाला मोबाइल नंबर ब्लॉक हो जाएगा। और जैसे ही चोर जो है कोई दूसरा सिम कार्ड इसमें इंसर्ट करेगा तो ये वाला फ़ोन ऑटोमेटिक उसका लोकेशन जो है आपका जो नया मोबाइल रहेगा जिससे आप ट्रैक करवाते रहेंगे, जिससे आप ट्रैक करने के लिए दिए रहेंगे, उस पर लोकेशन आ जाएगा और वो वाला मोबाइल 100% आपको मिल जाएगा। और इस वाले जरिए इसके जरिए अभी तक आप देख पा रहे हैं कि 255,882 मोबाइल जो है सक्सेसफुली प्राप्त कर लिए गए हैं जो चुराए हुए थे। अब हम बात करते हैं अपने फर्जी सिम कार्ड वालों के लिए, तो हमको यहाँ पर क्लिक करना है नो योर मोबाइल कनेक्शंस पे, क्योंकि आपको पता है एक अलग से वेबसाइट आती थी इससे पहले, अभी साल डेढ़ साल पहले टफ कोप करके ही आती थी, तो यहाँ पर भी वही लिखा है टैफ कोप बट यहाँ पर वो सभी राज्य के लिए काम नहीं करती थी जो पिछली वेबसाइट थी, लेकिन ये वाली जो वेबसाइट है ये 100% सभी राज्यों के लिए काम कर रही है, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसका डेटा दिखा दूँ तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इसने 13,505 फर्जी मोबाइल नंबर को ब्लॉक किया है, बंद किया है इस वाले वेबसाइट ने अभी तक। ये वाली काम करती है और ये नया पोर्टल भी है। तो हमें क्या करना है, पता लगाने के लिए सिम कार्ड कितना फर्जी है या फिर कितना चल रहा है, नो योर मोबाइल कलेक्शंस पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब आप देख पा रहे हैं कि आपके सामने इस तरीके से पेज आएगा और यहाँ पर भी वो सारी चीज़ें, इतने लोग रिक्वेस्ट रिसीव हुआ है और इतना यहाँ पर आपका जो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है वो करना है। अब यहाँ पर आप देखिए आपसे एक मोबाइल नंबर मांग रहा है, ये मोबाइल नंबर कौन सा देना है आपको, तो फिलहाल में जो मोबाइल नंबर अभी आपके नाम पर चल रहा है, जैसे आप अगर ये वाली वीडियो देख रहे हो तो आपके पास सिम कार्ड ज़रूर होगा, तो जो सिम कार्ड अभी आपके नाम पर है फिलहाल में, एक सिम कार्ड आपका पास
तो उसी सिम कार्ड का आपको जो है यहाँ पर नंबर देना है। जैसे कि मान लीजिए मेरे नाम पे चार पांच सिम कार्ड है, तो उनमें से मैं कोई एक दे सकता हूँ और उसी के बेस पे ये बता देगा कि चार तो आपके पास पहले से ही है, बाकी दो तीन और फर्जी भी है अगर रहेगा तो, नहीं रहेगा तो बस आपका तीन चार मोबाइल नंबर जितना रहेगा वही शो करेगा। तो चलिए मैं अपना मोबाइल नंबर एंटर कर लेता हूँ जो फिलहाल अभी मेरे नाम पर एक चल रही है, और उसके बाद हम चेक करेंगे कि इसी मेरे नाम पर इसी सेम आईडी से सेम आधार से क्या कोई और फर्जी सिम भी है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर दे देना होगा। यहाँ पर मोबाइल नंबर देने के बाद आपको कैप्चा एंटर करना है, और कैप्चा एंटर करने के बाद जस्ट यहाँ नीचे वैलिडेट कैप्चा पे क्लिक करना है। तो अगर यहाँ पर हमने मोबाइल नंबर भी सही कर लिया, साथ ही में दोबारा से कैप्चा एंटर करके वैलिडेट भी कर लिया, अब हमको हमारे मोबाइल नंबर पर ओटीपी आ जाएगा, और वो वाला ओटीपी जो है हमको यहाँ पर एंटर करना होगा। तो चलिए हम अपना यहाँ पर ओटीपी एंटर करते हैं, वेट करते हैं ओटीपी आने का, उसके बाद यहाँ पर एंटर करके हमको लॉग इन करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने पूरी डिटेल खुल के आ जाएगी, कितने सिम कार्ड चल रहे हैं और कितना यहाँ पर आपका है कितना फर्जी है, सबकी सब डिटेल्स यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएंगी। तो अगर यहाँ पर एरर के बाद दोबारा से सारी चीज़ करने के बाद हमने ओटीपी भी डाल लिया, हमको जस्ट लॉग इन करना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे अब आपके सामने आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पूरी चीज़ें खुल के आ चुकी है, और इधर आप देख पा रहे हैं कि मेरा जो भी फिलहाल मोबाइल नंबर है जिससे मैंने लॉगिन किया, यहाँ पर वेलकम लिख के आ जाएगा वो वाला मोबाइल नंबर। उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपको नीचे दिखाई देगा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड इन योर नेम, हमारे नाम पर टोटल 6 मोबाइल नंबर जो है यहाँ पर रजिस्टर्ड है, आप देख पा रहे होंगे आपके सामने पूरी चीज़ें आ रही हैं। अब मैं आपको ऐसे नीचे स्क्रॉल करके एक बार दिखाता हूँ सबसे पहले चीज़ें। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये यहाँ पर 6 मोबाइल नंबर शो कर रहा है, यहाँ पर लास्ट का आप देख पा रहे हैं अंक, शुरुआती का 2 अंक देख पा रहे हैं, लास्ट का 4 अंक, और ये आप देख पा रहे हैं ये वाला वही मोबाइल नंबर है जिससे मैंने लॉगिन किया है, ये भी मोबाइल नंबर मेरे पास है, ये भी मोबाइल नंबर मेरे पास है, मैं ये भी वाला है, मेरे को इस वाले मोबाइल नंबर पे डाउट हो रहा है और इस वाले मोबाइल नंबर पे मेरे को डाउट हो रहा है। अगर मैं चेक करता हूँ इसको, अगर ये वाला सिम कार्ड शायद मैं भूल गया हूँ लेके, फिर मैं इसके बाद यहाँ पर क्या करूँगा रिपोर्ट करूँगा। अगर आपके पास भी ऐसा आता है मैसेज और इसमें से आपको एकदम कन्फर्म है कि मान लीजिए ये वाला मोबाइल नंबर आपका नहीं, तो आपको इस पर टिक करना है, और यहाँ पर जो है आपका इस पर टिक करना है नॉट मोबाइल नंबर, नॉट माई मोबाइल, नॉट माई नंबर, इस पर आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ ये जो रिपोर्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है इसको रिपोर्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ये वाला सिम अगर एक्टिव होगा तो फिर इसको मैसेज जाएगा अपना केवाईसी अपडेट करवाने के लिए, केवाईसी अपडेट करवा लेगा तो जिस पर्सन के पास ये सिम रहेगा उसके नाम पर सिम हो जाएगा। अगर वो पर्सन केवाईसी अपडेट नहीं करवाता है तो फिर इस वाले सिम कार्ड को जो ये वाला है जिस पर आपने रिपोर्ट किया है इस वाले सिम कार्ड को बंद कर दिया जाएगा। और मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर ये 100% वर्क करता है, और आप देख पा रहे हैं कि मेरे नाम पर यहाँ पर टोटल 6 सिम कार्ड जो है वो जो रजिस्टर है आप देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार से, ये इस तरीके से आपका जो है। तो कुछ इस प्रकार से आपको ये सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको इस तरीके से टिक करके आपको ये भी सिलेक्ट करना है कि ये मेरा मोबाइल नंबर नहीं है, अगर है तो भी आप यहाँ पर आराम से इसको छोड़ सकते हैं, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और जब रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको एक रिक्वेस्ट नंबर मिलेगा, आप यहाँ पर आकर उसको डाल के एप्स पर ट्रैक कर सकते हैं कि आपका जो मोबाइल नंबर जिसको आपने रिपोर्ट किया था कि ये आपका नहीं है वो वाला सिम कार्ड बंद हुआ या फिर नहीं, या फिर उसके साथ क्या अपडेट आया है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बता दी जाएगी। तो इस तरीके से पता करना है कि आपके नाम पर या फिर आपके आधार पर कितनी सिम कार्ड आपका जो रियल है और कितनी सिम कार्ड फेक है, फर्जी है, या फिर कितना धोखाधड़ी साथ खोला गया है, वो सारी सारी डिटेल जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं, और उसको जो है बंद भी करवा सकते हैं, और यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो चलिए गाइस आज की इस वाले वीडियो को हम अटेंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।